हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द ब्लू लगून, जिसे 1980 में रिलीज किया गया था। ये कहानी दो ऐसे बच्चों पर बेस्ड है जो कि जंगल में फंस जाते हैं। इस आइलैंड पर जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब इनके बॉडी में फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये लोग इस आइलैंड पर क्या करते हैं, ये हमें मूवी में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोग एक शिप को देखते हैं जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही थी। यहाँ दो बच्चे भी हैं, लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम इमली है। अब इनकी शिप बीच समुद्र में पहुंच चुकी है, लेकिन तभी इनके शिप में आग लग जाती है, जिस वजह से इस शिप का कुक दोनों बच्चों को साथ लेकर एक छोटी बोट में चला जाता है। इस आग के धुएं के वजह से ये लोग दूसरे लोगों को नहीं देख पाए और वो लोग शिप से बहुत दूर चले जाते हैं। ये लोग इस समुंदर में अब अकेले थे। अगली सुबह जब ये लोग सोकर उठे, तब इन्हें एक आइलैंड नजर आता है। ये लोग उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग इस आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ इन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए बहुत सारे फल मिलते हैं। तभी पैडी को एक कैन मिलता है जहाँ शराब होती है, लेकिन वही रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब ये है कि इस आइलैंड में और भी इंसान आ चुके हैं। ये सब देखकर पैडी थोड़ा डरता है और अब वो इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाने की सोचता है। एक बार जब इमली लाल रंग की बेरीज देखती है, तब उन्हें खाने लगती है। तभी पेडी वहाँ आ जाता है और उसे इन बीन्स को खाने से रोकता है। वो इन बच्चों से ये कहता है, ये पौधे बहुत जहरीले हैं और इसे खाने से इनकी मौत भी हो सकती है। धीरे धीरे पेडी रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है, क्योंकि अगर इन लोगों को यहाँ रहना है, तब इन लोगों को यहाँ जीना सीखना होगा। एक बार जब रात में पेडी शराब पी रहा होता है, तब उसे आइलैंड की दूसरी ओर से कुछ आवाजें आती हैं। अगली सुबह जब पेडी वहाँ जाता है, तब उसे वहाँ बहुत सारा खून दिखाई देता है। पैडी ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर वो बच्चों के पास जाता है और वो बच्चों को ये समझाता है कि कभी भी आइलैंड के दूसरी ओर मत जाना। अगली रात को पैडी शराब पीकर बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है, लेकिन जब इन बच्चों की आंख खुलती है, तब ये लोग देखते हैं पैडी शराब लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा है। सुबह में जब एमली और रिचर्ड पैडी को देखते हैं, तब ये लोग उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर ये लोग उसे उठाते हैं, लेकिन अब पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और वापस से आइलैंड आ जाते हैं। अब ये दोनों काफी अकेले पड़ चुके हैं और इन्हें अब ये आइलैंड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये लोग इसे छोड़कर पास वाले आइलैंड पर चले जाते हैं, जहां वो पैडी के सिखाई हुई बातों को याद करते हैं और अपने लिए रहने के लिए एक घर बनाते हैं और अपनी जिंदगी को गुजार कर यहाँ कई साल बिताते हैं। अब ये लोग काफी बड़े हो चुके हैं, इन दोनों ने अब यहाँ रहना सीख लिया था। ये लोग इस आइलैंड पर बहुत खुश थे, क्योंकि अब ये इनका घर था। ये दोनों अब जवान हो चुके हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस वक्त इनकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं और यहाँ इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं। लेकिन इन दोनों को इनकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो कि इन्हें इसके बारे में कुछ भी बता सके। एक दिन इमली जब पानी में स्विमिंग कर रही होती है, तब वो पानी में ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत रिचर्ड को चिल्लाकर बुलाती है। लेकिन बाद में वो नोटिस करती है कि ये ब्लड तो उसकी बॉडी से ही निकल रहा है, क्योंकि ये इमली का पहला पीरियड होता है। जब रिचर्ड यहाँ आता है, तब वो भी पानी में ब्लड देखता है। वो इमली से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन एमलिन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में रिचर्ड एमलिन से ये पूछता है कि उसे क्या हुआ है और इसकी बॉडी से ब्लड क्यों निकल रहा था। एमलिन उससे कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। रिचर्ड को ऐसा लगता है जैसे एमलिन को चोट लगी है, इसलिए वो ब्लड वाली जगह देखना चाहता था, लेकिन एमलिन उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद रिचर्ड बहुत गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। एमलिन रिचर्ड की बॉडी को देखते रहती थी, वहीं दूसरी ओर रिचर्ड भी एमलिन को देखता रहता था। एक बार जब एमलिन घूम रही होती है, तभी अचानक उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। जब वो उस मूर्ति के पास जाती है, तब उसे वहाँ खून दिखाई देता है। ये देखकर एमलिन बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रिचर्ड के पास आकर वो सब कुछ बताती है। ये सुनकर रिचर्ड उसे डांटता है और उसे फिर से वहाँ नहीं जाने के लिए कहता है। एक रात जब एमली सो रही होती है, तब उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो रिचर्ड को मरा हुआ देखती है। ये देखकर वो नींद से जाग जाती है। वो बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है। वो रिचर्ड से कहती है, तुम मुझे खुद से कभी अलग मत करना। इसके बाद वो रिचर्ड को किस करती है, लेकिन रिचर्ड यहाँ अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो एमलिन को जोर से पकड़ लेता है। रिचर्ड के ऐसा करने से एमलिन बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं रात में जब एमलिन सो रही होती है, तब रिचर्ड उसके पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमलिन जाग जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रिचर्ड एमलिन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन एमलिन उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। इसके बाद एक दिन एमलिन रिचर्ड को देखती है। वहाँ रिचर्ड अकेले बैठकर कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो अकेले बैठकर ऐसा क्या कर रहा था, ये बात एमलिन को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है।
एमलिन की आवाज सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन रिचर्ड समुंदर में एक शिप देखता है। उस शिप को देखकर तुरंत वो अपने घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि इन्होंने दूसरों को सिग्नल देने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थी। उस शिप को एमलिन भी देखती है, लेकिन उसने जानबूझकर शिप को कोई भी सिग्नल नहीं दिया। रिचर्ड उसे ऐसा ना करने की रीजन पूछता है, लेकिन वो रिचर्ड को अच्छे से जवाब नहीं देती है। लेकिन असली बात यह थी कि एमलिन को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और अब वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। लेकिन रिचर्ड को ये जगह पसंद नहीं है और वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है और अपने लिए एक बोट बनाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी नाव टूट जाती है। इसके बाद वो वापस आ जाता है। यहाँ एमलिन उसका मजाक उड़ाती है और वो उससे ये भी कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि तुम उस दिन अकेले बैठकर क्या कर रहे थे। रिचर्ड ये बात सुनकर उससे कहता है, तुम मुझे छुपकर देखती हो, तुम बहुत गलत करती हो। तब एमलिन उससे कहती है, तुम भी तो मुझे छुपकर देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर जाकर रिचर्ड एमलिन का सारा सामान बाहर फेंक देता है और अब एमलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। जब एमलिन पानी में घूम रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत बीमार पड़ जाती है। रिचर्ड ने एमलिन को बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। एमलिन उसे बताती है, मेरा पैर एक जहरीली मछली के ऊपर आ गया था। एमलिन की ऐसी हालत देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है। एमलिन उससे कहती है, मुझे गॉड के पास लेकर चलो। एमलिन उस मूर्ति को गॉड मानती थी, इसलिए रिचर्ड उसे उस मूर्ति के पास ले जाता है। यहाँ पर रिचर्ड उस मूर्ति से दुआ करता है कि वो एमलिन को ठीक कर दे। कुछ देर बाद एमलिन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक दिन ये दोनों साथ बैठकर फल खा रहे थे। एक दूसरे से बात करते हुए ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसा करके ये दोनों बहुत खुश थे और अब वो दिन में कई बार रोमांस करते थे। ऐसे मौज मस्ती करते हुए ये दोनों काफी दिन गुजारते हैं। एक दिन रिचर्ड ये देखता है एमलिन की तबीयत ठीक नहीं है। रिचर्ड उसके पास जाकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। एमलिन उससे कहती है, मैं बीमार हूँ। तभी एमलिन रिचर्ड से ये बोलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट के अंदर कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है, तभी उसे पेट के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। एमलिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं थी और ये लोग इन सब से बिल्कुल अनजान थे। एक रात रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद वो भाग कर वहां जाता है, जहां वो देखता है कुछ आदिवासी अपने रस्मों को पूरी कर रहे हैं और वो अपने गॉड को खुश करने के लिए एक आदमी की बलि दे रहे हैं। ये देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है और वहां से भागकर एमलिन के पास आता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एमलिन की चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद एमलिन रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत रो रहा था। रिचर्ड को ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए वो इसे पानी पिलाता है। इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था और इसके बारे में इन दोनों के पास कोई भी नॉलेज नहीं था। तभी एमलिन उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है और वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ये दोनों बच्चे के साथ अब बहुत खुश थे और दोनों बच्चे से बहुत प्यार करते थे। कुछ महीनों के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन जब ये तीनों खेल रहे होते हैं तभी रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये लोग रिचर्ड को देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये कोई यहाँ का आदिवासी है, इसलिए ये लोग अपने शिप को मोड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये दोनों भी उस शिप को जाते हुए देखते हैं, लेकिन ये लोग उसे आवाज नहीं देते हैं क्योंकि अब ये लोग भी यहाँ रहना चाहते हैं। एक दिन ये लोग बोट की मदद से उस पुराने वाले आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पेडी के साथ ये लोग सबसे पहले आए थे। इसी बीच वो बच्चा जहरीला बेरी को तोड़ लेता है और ये बच्चा उन बेरीज को अपने साथ बोट पर ले जाता है, जिसके बारे में इन दोनों को कोई भी खबर नहीं था। वापस आने के वक्त वो बच्चा नाव के पतरे को पानी में गिरा देता है। एमलिन उसे लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद वो रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड दौड़ता हुआ आता है और पानी में कूद जाता है और नाव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं रिचर्ड के पीछे एक शार्क लगी हुई है। रिचर्ड को बचाने के लिए एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क की तरफ फेंकती है। उस पतवार के जरिए वो रिचर्ड को बचा लेती है, लेकिन अब बिना उस पतवार के इनकी बोट समुंदर के बीच की तरफ जाने लगती है और ये लोग इस आइलैंड से बहुत दूर जा रहे थे। धीरे धीरे करते हुए ये लोग समुद्र के बहुत अंदर चले जाते हैं। इन लोगों के पास यहाँ ना तो कोई खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। ये लोग तो किसी तरह भूख प्यास झेल लेते हैं, लेकिन इन दोनों को उस बच्चे की बहुत फिक्र थी। जब अगली सुबह होती है तब वो बच्चा उस जहरीली बेरी को भूख की वजह से खा जाता है। ऐसा करते हुए एमलिन बच्चे को देख लेती है, लेकिन बच्चा उन बेरीज को खा चुका था और अब देखने का कोई भी फायदा नहीं था। इसके बाद रिचर्ड उन बेरीज को उठाता है और वो उसमें से बांट कर आधी एमलिन को देता है। ये लोग यहाँ फैसला करते हैं, ये लोग भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे। लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा था और बस वो बच्चा अभी सोया हुआ था क्योंकि उस बच्चे ने बहुत कम बेरीज खाई थी। लेकिन ये लोग बहुत सारे बेरीज खा लेते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हुए यहाँ सो जाते हैं। तभी रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिख जाती है और वो तुरंत उस नाव के पास पहुँचते हैं।
जहाँ एक आदमी बाकी लोगों को बताता है ये लोग अभी जिंदा है और ये लोग बस सोए हुए हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ये इस मूवी का पहला पार्ट है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमें इसका दूसरा पार्ट कब तक बनाना चाहिए, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।